श्री राधे राधे। भक्तों, भागवत जी में छठे स्कंध में महान भक्त राज वृत्रासुर जी का चरित्र बताया गया है। वहाँ ये सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्रासुर ने भगवान से मांगा था, आखिरी टाइम में दर्शन जब प्राप्त हुआ युद्धभूमि में, बहुत ठाकुर जी ने कहा कि ये ले लो ये ले लो, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो, सब मना कर दिया। प्रभु ने पूछा कि फिर तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा ममो तम श्लोक जनेशु सख्यम। पहले तो बतलाया मुझे विरह कैसा चाहिए, जैसा कि एक प्रिया अपने प्रियतम के प्रति रखती है, नवजात शिशु अपनी माँ के लिए जैसे बच्चा पक्षी का। ऐसे बहुत से उदाहरण देने के बाद कहा ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम। प्रभु जो हे उत्तम श्लोक पुण्यकृत परमात्मा, जो आपके निज जन हैं अर्थात आपके प्रिय भक्त हैं, उनके प्रति मेरे मन में सख्य हो, उन्हीं से मेरा लगाव हो, अपने खास सखा की तरह से। इसका तात्पर्य हुआ भक्तों कि आप अपना संगी अपना सखा किसको मानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग तो सखाओं अर्थात मित्रों के कारण अवगुणों के शिकार हो जाते हैं। नशेबाज लोगों से कहो, उनकी घर के लोग परेशान होते, उनकी पत्नी परेशान होती कि आप नशा छोड़ दो, तो वो बताते हैं कि पहले तो हमको कोई नशा नहीं था, हमारे जो साथ उठने बैठने वाले हैं उन लोगों ने करा दिया। अब वो घर में तो कहते हैं कि नशा नहीं करेंगे, जहाँ साथ मिला तो चल हुआ नशा। इसी तरह से भक्तों, जो प्रभु के प्रेमियों का सख्य है, जो उनकी संगति है, वो भगवान के प्रेम का नशा चढ़ा देता है जीवन में। और महाराज, संत माता संतोष जी के जीवन में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। वो संतों से बहुत लगाव मानती थी, जो भगवान का विशेष प्रेमी है। पूज्य संतोष बहन जी के लिए वैष्णव संग अर्थात भगवत भक्तों के संग में इतना अपनापन था कि वो मूल मंत्र सा जीवन का बन गया था। भक्त पद रज रेणु बड़ा उपयोगी, बड़ा महत्वपूर्ण था उनके लिए। उसके लिए मन में जैसे लोलुपता रहती थी, भक्त पद रज लोलुप थी बहन जी, संतोष बहन जी, लोभी भ्रमर की भांति ब्रज धाम के सभी संतों के चरण कमलों का पराग संचित करके भी अतृप्त सी दिन रात ठाकुर को पुकारती रहती थी। उनको लगता था जितने संत जहां भी मिल जाए वृंदावन में, मुझे सबके चरणों में जा करके उनकी प्रभु की प्रीति का रस प्राप्त करना है, प्रसाद प्राप्त करना है। गौरांग दास बाबा के यहाँ ही इन्हें प्रिया शरण बाबा के दर्शन हुए। कल मैं आपको सुना रहा था, गौरांग दास बाबा इस्कॉन मंदिर के पास रहते थे, उनका आश्रम है, बहुत से हरे भरे वृक्ष हैं वहाँ, तो वहाँ जाती थी माता। वहीं पर गौरांग दास बाबा के गुरुदेव रामदास जी मिले थे, जो बड़े बाबा के शिष्य थे। इन सब का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। तो उन्हीं गौरांग दास बाबा के यहाँ इनको प्रिया शरण बाबा के दर्शन हुए, और ये प्रिया शरण बाबा भक्तों बहुत महान पुरुष थे। रामानंदी वैष्णव प्रिया शरण बाबा
बिहार के बक्सर प्रांत के थे। एक बार छुट्टियों में वृंदावन आए तो पंडित बाबा श्री राम कृष्ण दास बाबा, इनका भी चरित्र आप सुन चुके हैं, इनके आकर्षण से धाम से इस तरह जुड़ गए कि फिर बाहर कहीं जा ही नहीं पाए। इनकी श्रीमद् भागवत के लिए बहुत अगाध निष्ठा थी। पंडित बाबा का इतने दिन संग किया था तो गौड़ीय साहित्य पर अच्छी पकड़ थी। तटीय स्थान के भगवान दास बाबा और उनका संग, महावाणी का पाठ, इसमें ऐसी रुचि हो गई थी कि प्रियशरण बाबा आप कहीं जाना नहीं चाहते थे वृंदावन छोड़कर। बहुत महान कथा के वक्ता थे। गौरांग दास बाबा की तरह प्रियशरण बाबा भी संतोष बहन जी और सरला जी पर सहज वात्सल्य रखते थे, अपना बच्चा समझते थे इन लोगों को। संतोष जी, सरला जी मेरी बच्ची हैं। भक्तों, महान भक्तों, महान संतों के प्रति ऐसा स्नेह भगवान की भक्ति के कारण होता है, इसलिए वो बंधन नहीं होता। ये इन पंजाबी बहनों की कृष्ण चर्चा की त्वरा से मुग्ध थे। पूज्य संतोष बहन जी को समय असमय का तो ध्यान ही नहीं रहता था, उनको तो भगवान के प्रेम विभोर चरित्र सुनने को मिल जाए तो बस, समय कितना बीत गया उससे मतलब नहीं उनको। सरला जी का हाथ थामे चल पड़ती बिहारी जी के बगीचे की ओर, क्योंकि उन दिनों बिहारी जी के बगीचे में भगवत प्रेमियों का ही समागम होता था प्राप्त। बाबा नल के पास बैठे दातुन करते करते भी कितने प्रसंग सुना जाते, और ये दोनों थोड़ी दूर पर बैठी तन्मयता में उनकी बातें सुनती रहती। अगाध ज्ञान के भंडार, प्रिया शरण बाबा भाव विभोर होकर के अनेकों प्रसंग, सरस संत चरित्र की कथाएं सुनाते जाते थे। और ये आध्यात्मिक चर्चा की लोभी मुग्ध सी बाबा के सामने बैठी रहती हैं। प्रिया शरण बाबा राधा नाम, धाम निष्ठा और ब्रज के स्तंभ स्वरूप थे। नाम के प्रति उनकी निष्ठा एक ही वाक्य से उजागर हो जाती थी। जब वे कहते मंत्र से कामना सिद्ध होती है पर नाम से कामनाओं का नाश होता है, प्रभु प्रेम मिलता है, ऐसी कितनी ही सारगर्भित सिद्धांत चर्चाओं की साक्षी ये बिहारी जी की बगीची थी भक्तों उस समय। और बाबा में प्रिया शरण बाबा बरसाने अधिक रहने लगे थे बाद में, पर जब भी वे वृंदावन आते पता चलते ही सरला जी को लिए तुरंत ही बाबा के पास संतोष बहन जी दौड़ करके आती। बाबा वृंदावन आने पर प्राय बिहारी जी के पीछे अकोला वाली धर्मशाला में रहते थे, और पूज्य संतोष जी खुद तो जाती ही थी। उषा बहन जी, जिनका चरित्र आप तीन भाग में सुन चुके हैं, उषा बहन जी वो उनके परिकर की भी सभी बहनों को दर्शनार्थ अवश्य ले जाती थी। महाराज, संतों के पास उनको बैठने, संतों की बातें सुनने, संतों का प्रसाद प्राप्त करने, उनकी चरण रज में लौटने का इनका कितना ऊंचा भाव था कि ऐसा उदाहरण जल्दी नहीं मिलता। सन 1951-52 की बात है। एक दिन पूज्य संतोष बहन जी गौरांग दास बाबा, जो मैंने पहले बताया इस्कॉन के पास रहते थे, उनके यहाँ सत्संग में गए तो वहाँ उन्होंने एक वृद्धा को भावावेश में ऐसा मतवाला सा देखा
वैसी मतवाली हो रही थी वृद्धा माता कि इनकी पारखी नज़र समझ गई है, क्योंकि ऐसे संतों की खोज में ही रहती थी। बस उस वृद्धा माता के साथ साथ ये भी पैदल उनके घर तक पहुंचाने गई और वृद्धा माता रंग जी के मंदिर के पिछवाड़े में रहती थी। परिचय होने पर पता चला कि वृद्धा भी कश्मीर प्रदेश की ही थी। वृद्धा दुर्गी माता, दुर्गी माता का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ दोस्तों। ये वृद्धा दुर्गी माता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वे वात्सल्य भाव की सिद्ध संत थी। अपने गोपाल जी के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। खुद दैन्य की मूर्ति पूज्य संतोष बहन जी दुर्गी माँ की दीनता से अत्यधिक प्रभावित थी। सबसे प्रभु दर्शन और अखंड वृंदावन वास की भिक्षा मांगती थी। दुर्गी माँ की वास्तविक स्थिति पूज्य बहन जी से छिपी नहीं थी। गोपीनाथ बाजार में रह रही पूज्य बहन जी को जब भी समय मिलता संतोष बहन को, तो झट दुर्गी माँ के यहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि गोपीनाथ बाजार से निकट पड़ता बिल्कुल। तो उनके काम में हाथ भी बटाती थी और गोपाल को संबोधन भी करती थी। वात्सल्य भरी भाव भीनी बातों का आनंद भी लेती रहती। पर भक्तों, असली लोभ तो उन्हें दुर्गी माँ के कीर्तन के आनंद का था। दुर्गी माँ जब कमरे का दरवाजा बंद करके उच्च स्वर से कीर्तन कर रही होती, अब आप समझो भक्तों की रहनी सहनी कैसी विचित्र है। ज्यादातर लोग संसार में जो प्रसिद्ध होते हैं गायक लोग, वो तो यही चाहते हैं कि सब लोग सुने मेरा। लेकिन दुर्गी माता तो दरवाजा कमरे का बंद कर लेती और फिर उच्च स्वर से कीर्तन करती। उस समय संतोष बहन जी बाहर बैठी रहती थी, लेकिन उनका कान उस कीर्तन को श्रवण करने में लगा होता था और तन्मय हो जाती थी। और महाराज, एक ही भाव सिंधु की दो लहरियां, परिचय घनिष्ठता में बदल गया। अब तो महाराज वही ममोत्तम श्लोक जनेश सत्यम हो गया, भगवान के भक्तों से सख्य। अब संतोष माता दुर्गी माता से बिल्कुल सख्य भाव में बंध गई। उसके बाद परस्पर आना जाना भी लगा रहता। आप ये बंधन मत समझना कि ये संसार बंधन है। अरे संसार बंधन को काटने वाला ये बंधन है। भगवान के भक्तों के संग रहना संसार के बंधन को काटने वाला बंधन है, क्योंकि ये भगवान के धाम ले जाता है ये बंधन। ये बंधन भी नहीं है, ये प्रभु से प्रेम को जोड़ने वाली डोरी है। पूज्य संतोष बहन जी से जो भी मिलने आता, उन्हें वो दुर्गी माँ के दर्शनार्थ अवश्य भेजती। अब आप समझ लीजिए, मैं उस विषय को तो नहीं कहना चाहता, लेकिन थोड़ा संकेत कर रहा हूँ कि जहाँ कुछ स्वार्थ होता है, वहाँ ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे पास ही आवे, दूसरे किसी संत के पास न जाए। जहाँ कुछ स्वार्थ होता, सांसारिक स्वार्थ। लेकिन जहाँ कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है, शुद्ध परमार्थ होता है, वहाँ संत यही चाहते हैं कि ये भक्त किसी महान पुरुष के पास जाए, इनका कल्याण हो। इसी तरह से दुर्गी माता के दर्शनार्थ भेजती थी संतोष बहन जी। संतोष बहन जी के पास कोई भक्त आया और उन्होंने समझ लिया कि ये अच्छा साधक है, तो बस दुर्गी माँ के पास भेजती। वो कहती थी, मेरे पास आए हो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तुम्हारा भला समझती वहाँ भेज रहे, वहाँ जाओ। महाराज, गौरांगदास बाबा की संगोष्ठी में इन पर वैष्णवों की अपार कृपा वृष्टि हुई। दुर्गी माँ भी तो वहीं मिली थी गौरांगदास बाबा के बाद। गौरांगदास बाबा का दर्शन करने गई थी, वहीं दुर्गी माँ से पहली भेंट हुई थी। बाद में तो उनका सख्य प्राप्त हो गया इनको,
सखी हो गई दोनों। भक्तों को औरंगदास बाबा तो कथा के बहुत प्रेमी थे, इसलिए कथा के रस में डूबे रहते थे। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनाने में आनंद के सिंधु में डूबे रहते थे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुष्प वृष्टि देवताओं ने की थी इनकी कथा की दिव्यता को देखकर। गौरांगदास बाबा पास ही व्यास घेरे में कथा कहने के लिए जाते थे, और जब केसी घाट जाने के लिए उनके घर के आगे से गुजरते तो दूर से ही संतोष बहन जी के निवास के सामने से जब निकलते तो दूर से लाली लाली कह करके पुकारते आते। संतोष जी को लाली लाली कहते, और ये भी उनके आगमन की बात जो होती रहती है। आवाज़ सुनते ही दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर दौड़कर उनसे जा लिपटती हैं। दोनों मतलब वही सरला जी और संतोष जी। बाबा इनसे खूब स्नेह करते थे, जैसे उनके बाबा के लिए छोटी बच्ची थी, और इनका कंठ सूना देख करके फिर कहते बाबा गौरांगदास, लाली सूना कंठ अच्छो न लगे। इनकी सुपात्रता संतोष बहन जी की सुपात्रता देख करके सभी दीक्षा को प्रेरित तो करते ही थे, पर इन्हें स्वप्न में दिखे जो बाबा, मैंने आपको पहले सुनाया था भक्तों कि स्वप्न में एक बाबा का दर्शन मिला था, वो उनको बोले थे कि राधा रानी हमारे गुरु होंगी, तो वही बाबा की बात स्मरण हो जाती जो स्वप्न में देखा था। तो दीक्षा का अभाव भी कभी महसूस नहीं होता था, इसलिए कि बाबा ने तो मुझको देखा था कि तुम्हारी गुरु राधा रानी। इनकी दीक्षा के लिए कोई उत्कंठा ही नहीं थी, क्योंकि वही स्वप्न में जो संत का दर्शन किया था वो बात मन में बैठी थी। और भक्तों उन्हीं दिनों बांके जी का भी दीक्षा के लिए आग्रह बढ़ता गया। बांके जी मैं आपको बता चुका हूँ जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील थे, और कन्हैया ने एक ही बार उनके वृंदावन आने पर गोचारण का दृश्य दिखाया और लौट के इलाहाबाद ही नहीं गए, वो काला छोड़ दी, घर छोड़ दी, वही बांके जी महान भक्त। तो उनका भी आग्रह यही था संतोष बहन के लिए कि आप दीक्षा लीजिए। तो बांके जी के एक मित्र तो उन्हें दीक्षा दिलाने को और भी लालायित थे, और पूज्य बहन जी संतोष जी बहुत संकोच में थी। अब ये किसी को जल्दी बताती तो थी नहीं कि मुझे स्वप्न में कुछ आज्ञा दूसरी मिली है, तो इनकी तो कोई अभिरुचि नहीं थी दीक्षा में। पर बांके जी ने जोर जबरदस्ती से बहुत आग्रह बहुत प्रार्थना कर करके इनसे मनवा लिया। तुलसी माला फूल माला मंगवा करके इनसे कह दिया, कल दीक्षा दिलवा देंगे, सुबह सुबह नहा धोकर आ जाइएगा। और पूज्य बहन जी तो महाराज असमंजस की स्थिति में थी, क्योंकि इनको आज्ञा तो दूसरी मिली थी स्वप्न में, और सरला जी को भी ये जोर जबरदस्ती अच्छी नहीं लगी। पर जहाँ आत्मीयता अपना तो अधिक होता है, वहाँ विरोध कर पाना इतना सहज नहीं होता, क्योंकि बांके जी भक्त थे इसलिए अपनत्व तो था, तो मना कैसे करें। फिर भी ये कुछ अनुचित आग्रह तो था नहीं, वो तो अनुग्रह समझ करके ही कर रहे थे, और दीक्षा की प्रक्रिया का साधक के जीवन में निश्चित ही बहुत उत्कृष्ट स्थान है, पर ये एक व्यक्तिगत चीज है और जन्म जन्मांतर से सुनिश्चित होती है। ऐसा नहीं कि आप दीक्षा कहीं भी ले लोगे, यदि आप वास्तव में दीक्षा लेना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में चलना चाहते हैं, तो गुरु से जो संबंध होता है ना, वो जन्म जन्मांतर से सुनिश्चित होता है। और तो देश काल गुरु दीक्षा विधि सब पूर्व निश्चित होते हैं।
महाराज यहाँ तो दीक्षा ग्रहण करने वालों का मन ही विद्रोह कर रहा था। पूज्य संतोष जी ने व सरला जी दोनों ने बड़ी बेचैनी से रात काटी, क्योंकि उनको दीक्षा लेने का मन था नहीं, और बांके जी जैसे भगवान के भक्त आग्रह कर बैठे थे। निद्रा जैसे ही आई संतोष जी को फिर वह स्वप्न आदेश हुआ। बाबा ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। आश्चर्य ये हुआ कि आज सरला जी को भी साथ साथ आदेश हुआ। अंतर सिर्फ इतना था कि पूज्य संतोष बहन जी को स्वप्न में दर्शन भी हुआ और सरला जी को मात्र आवाज सुनाई दी, मैं हूँ तुम्हारा गुरु। और प्रातः उठते ही दोनों के चेहरे निश्चिंत और आह्लाद से भरे थे। जब एक दूसरे को स्वप्न सुनाया तो परस्पर के स्वप्न एक ही पर आश्चर्यचकित रह गए। दोनों की मनोदशा का धरातल एक होने से और एक ही गुरु से संबंधित होने से ऐसा होना आश्चर्यजनक बात नहीं थी भक्तों। अब श्री बांके जी के यहाँ उस आयोजन के लिए जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया था। विधि का विधान, उच्च कोटि की अनुभूति प्राप्त संत होते हुए भी बांके जी ने उस आयोजन की उपेक्षा को सहज ही नहीं लिया, और इनके संबंध अपनी मधुरता खो बैठे। ये वहाँ जाती भी तो बहुत उपेक्षित था, रुक्षता लिए हुए व्यवहार मिलता। यहाँ तक कि घंटों उनकी सीढ़ियों पर बाहर ही बैठ करके आ जाती हैं, पर उनका द्वार नहीं खुलता था। ये तो मान अपमान से बहुत दूर, बहुत ऊपर उठी हुई थी, पर इनकी विरह व्याकुल भाव दशा बहुत ही चिंतनीय सी होती गई। एक बार ऐसी मनोदशा में पूज्य संतोष बहन जी गंगा मंदिर में बालकृष्णदास जी महाराज के पास गई और पूज्य देवी जी व मनोहर बाबा महाराज जी के पास बैठे थे। तो संतोष बहन जी की आंसू झरझर करके बह रहे थे और उनके करुण क्रंदन से पूज्य देवी जी और मनोहर बाबा बड़े विचलित हुए। पूरे दिन बहन जी ठाकुर जी से साक्षात्कार की पिपासा में अश्रु बहाती रहीं। भावावेश में वे बालकृष्णदास जी महाराज के चरण पकड़े रहीं। विरहातीत दशा में पेट की सब आंतें अंदर घुस गई हैं, घुटने पेट में धंसे हुए थे, हिचकियां बंध गई थीं। 3 दिन निरंतर उनकी यही दशा रही। सबको उनके जीवन का ही संशय होने लगा। महाराज बालकृष्णदास जी गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे। पास ही बैठे पूज्य देवी जी वो बाबा जी भी इनकी विरह भाव की दशा से व्याकुल हो रहे थे। 3 दिन बाद इनका रुदन शांत हुआ। इस अंतराल में इन पर क्या क्या कृपा हुई ये तो स्वयं ही जान सकती हैं। इसका आता पता इन्होंने किसी को दिया भी नहीं। इनकी इस दशा पर महाराज जी ने उस दिन कहा था, अगर थोड़े समय और ये विरह टिक जाता तो पूर्ण साक्षात्कार हो जाता। महाराज उसके कुछ ही दिन बाद पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी महाराज भाई जी वृंदावन आए, और यहाँ आने पर वो गीता भवन बिड़ला मंदिर में ही रहते थे जो मथुरा वृंदावन के बीच में है। तो पूज्य संतोष बहन जी को उनके आने की सूचना मिली तो तुरंत ही सरला जी को साथ लेकर पैदल ही बिड़ला मंदिर के लिए चल दिए। पूज्य भाई जी सपरिकर वहाँ ठहरे थे, वहाँ खूब भीड़ थी। बाहर बगीचे में ही इन्होंने देखा लगभग 70-80 लोगों के मध्य एक दुबले पतले तेजस्वी सन्यासी को, जो अंतर्मुख से सिर झुकाए अपने में लीन चुपचाप चले जा रहे थे। ये बहुत चक्की सी उन्हें देखती रह गई। अपनी आंखों पर ने विश्वास जैसे नहीं हो रहा था। स्वप्न में देखी हुई स्मृति पटल पर अंकित उस छवि को बहन जी इसमें साक्षात देख रही थी।
दो बार जो स्वप्न में आए थे दीक्षा से रोकने के लिए वो यही थे। तो कष्ट करके सरला जी का हाथ पकड़ा और आनंद मिश्रित आवेश में भरे स्वर में बोली, सरले, वो सपने में आने वाले बाबा जी, अरे वही है यहाँ। और सरला जी का चेहरा हर्ष से खिल उठा। संतोष जी ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा, ये सन्यासी कौन है? तो संक्षिप्त सा उत्तर मिला, राधा बाबा गोरखपुर से आए हैं। तब इनके समझ में आ गया कि जो सपने में संत आते थे वो यही थे, राधा बाबा। और ये अनायास कह उठी, गोरखपुर में तो भाई जी रहते हैं। उनकी विस्मय और जिज्ञासा भरी मुख मुद्रा देखकर वो व्यक्ति बोला, ये राधा बाबा भाई जी के प्राणाभिराम हैं और भाई जी इनके प्राण हैं। कहना मुश्किल है कौन किसके प्राण हैं। भक्तों, दर्शन करके निहाल हो रही थी, संतोष जी राधा बाबा और भाई जी का दर्शन करके निहाल हो रही थी। ऐसे महान दर्शन करती हुई संतोष जी, राधा बाबा और भाई जी को मैं प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे इस महान संतों के मिलन की चर्चा फिर करूँगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।